अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, 1 कप मैंने चक्की का आटा ले लिया है, आप फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर घी लेंगे। अब हम अच्छे तरीके से आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा गूंदना है जैसे हम घर में गूंदते हैं। आटे को मैंने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट गूंद लिया है। आलू मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से उनको क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून नमक ले लिया, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 3 सब्ज़ मिर्ची लेकर मैंने उनको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। अब ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा रेडी है। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को रेस्ट दिए हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। देखिए इसी तरीके से हमने सारे पेड़े बना लेने हैं। देखिए पेड़े हमारे रेडी हैं। अब हम छोटी छोटी रोटियां बेल लेते हैं। अब हमने छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमने इसी तरीके से बेल लेनी है। दूसरी रोटी भी हमने इसी तरीके से बेल लेनी है। अब हम मटेरियल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से। जितना आप लाइक करते हैं डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रोटी के ऊपर हमने रोटी इस तरीके से जोड़ देनी है। साइडों से अच्छे तरीके से हमने कवर कर देना है ताकि मटेरियल जो है वो हमारा बाहर ना निकले। ये देखिए देखिए राम राम से हमने बेल लेना है इसको। अब आराम से हमने रोटी रख देनी ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। अब हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने साइड चेंज कर लेनी है। अब हम व्हाइट बटर लगाएंगे। आपके पास जो भी बटर है वो आप लगा सकते हैं, मेरे पास व्हाइट बटर है। दोनों साइड पे लगाना है आपने।
माशाल्लाह से ये भी पराठा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना लेने हैं। माशाल्लाह से पराठे हमारे रेडी। मैं आपको ज़रा चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। ये देखिए मटेरियल देखिए अंदर कितना ज़्यादा है।